जी राम राम जयंत सबको। तो कल जैसे मैंने बोला था गोल्ड आएगा, आज पक्का है गोल्ड आना। तो भाई हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीत लिया है और हमारी छोरियों छोरों से कम है के हैं, हमारी छोरी छोरों से कम ना है भाई, गोल्ड ले आई हैं। तो सबसे पहले बैटिंग की थी हमारी इंडियन टीम ने, इंडियन टीम ने बैटिंग करके सबसे पहले बनाए 116 रन 20 ओवर में, कम रन बनाए। और इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए स्मृति मंदाना ने 46 रन बनाए 45 बॉलों में, और सेकंड हाईएस्ट रन बनाए जमीमा रोड्रिगस ने 42 रन बनाए 40 बॉल में। बाकी शेफाली वर्मा भी 9 रन बनाई, रिचा घोष 9, हरमनप्रीत कौर 2। तो इतनी कुछ खास बैटिंग नहीं दिखी हमारी, बट 116 रन का टारगेट दिया था। और श्रीलंका की तरफ से 2 विकेट, एक तो इनके नाम इतने मतलब टिपिकल होते हैं ना कि पढ़ने में भी इंसान के जी बना चार बार घूम जाए। 2 विकेट लिए प्रा बोधनी ने और 2 विकेट ली सुगंधिका कुमारी ने और राणा वेरा ने 2 विकेट ली। तो कुल मिला के 2, 4, 6 विकेट गई, एक शायद रन आउट हुआ होगा। तो 116 रन बनाए इंडिया टीम ने। उसके बाद बैटिंग करने आती है श्रीलंका की टीम, श्रीलंका की वुमेन्स टीम, जैसे कि एशिया कप के में फाइनल हुआ था 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था, बट इसमें 50 रन पे ऑल आउट नहीं किया था, काफ़ी क्लोज मैच किया। ये 97 रन पे 8 आउट हुए थे और ओवर ख़त्म हो गए। और इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा बॉलिंग की है टिटस साधु ने, 3 विकेट उन्होंने लिए, राजेश्वरी गायकवाड ने 2 विकेट लिए और देविका वैद्या ने 1 विकेट, दीप्ति शर्मा ने भी 1 विकेट और पूजा वस्तकर ने भी 1 विकेट लिए। मतलब सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और हसनी परेरा ने 25 रन बनाए श्रीलंका की तरफ से और नीलकाशी डी सिल्वा ने 23 रन बनाए हैं और राणा सिंघा ने 19 रन बनाए हैं। तो गोल्ड हुआ है हमारा और सिल्वर मेडल मिला है श्रीलंका की टीम को। और आज ही के दिन में ब्रॉन्ज मेडल का भी मैच था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान वुमेन टीम हार चुकी है एज यूजुअल। तो एज यूजुअल पाकिस्तान बाहर हुई और ब्रॉन्ज मेडल मिला बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने टारगेट दिया था 64 रन्स का 9 विकेट पे, मतलब 120 बॉल में 64 ही रन बने। तो उनका कुछ स्कोर कार्ड ऐसा था 0-1-13, 0-11, 14-17, 1-0-3-1, ऐसा लग रहा है किसी जगह का पिन कोड है ये। और बांग्लादेश ने ये इजीली चेस कर लिया, 65 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पे। और ब्रॉन्ज मेडल भी बांग्लादेश का हुआ, गोल्ड इंडिया का हुआ, सिल्वर श्रीलंका का हुआ। तो काफ़ी सही रहा। और अभी आईज ऑन मेंस टीम, जिनके मैचेस 3 तारीख से हैं एशियन गेम्स में, और होप करते हैं वहाँ तो गोल्ड आना ही चाहिए, जैसे यहाँ गोल्ड आया तो वहाँ भी गोल्ड आएगा 100%। तो है मेरे को कॉन्फिडेंस कि गोल्ड आएगा। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद राम राम।